हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्लस आपका आरपीएफ, एसएससी, जीडी, अदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोस देखनी है अनअकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से, यानी कि कथन और तर्क से। कथन यहाँ पे दिया गया है, क्या भारत में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए? आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, कि क्या भारत में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए? तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका तर्क क्या रहेगा? तर्क यहाँ पे दिया गया है, नहीं, अभी भी हमने साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कथन में कुछ और बोला जा रहा है, और जो आपका तर्क है उसमें आपका साक्षरता की बात की गई है, ठीक है, साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया है। तो इसका कोई भी मतलब आपका कथन से नहीं है। कथन में पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए, तो इसका तो कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे आंसर आपको देना है, और उस आंसर में जो भी आपका लिखा होगा वो उस कथन से रिलेट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आंसर तो आपको मिल गया, नहीं, बट जो ये लिखा है ये आपका कथन से कोई भी संबंध नहीं रखता है। दूसरे वाली लाइन में क्या लिखा गया है, दूसरे वाली लाइन में बोला गया, नहीं, क्योंकि इससे शिक्षित रोजगार की दर में वृद्धि होगी। अगर मैं इसकी बात करूँ, नहीं, आंसर तो मिल गया है, बट यहाँ पे जो ये लाइन लिखी गई है इसके बाद में, ये वैलिड रीजन नहीं है, क्योंकि इससे शिक्षित रोजगार की दर में वृद्धि होगी, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है और इसका कोई भी कथन से लेना देना नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि मैं आपको ये स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मिरर इमेज से, दी गई आकृति का दर्पण में बनने वाला सही प्रतिबिंब चुनिए जब दर्पण ए बी पर रखा हो। तो देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे आपका जो इमेज जो आपको बतानी है ये वाली बतानी है, और आपका यहाँ पे मिरर रखा हुआ है ए बी पर, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इस साइड में बनेगी, यहाँ पे बनेगी ना, सिंपल सी बात है। तो आप ये मुझे बताइए, मैंने आपको अभी तक क्या सिखाया है कि जहाँ पे मिरर रखा होगा, ठीक है, और जो चीज़ें मिरर के पास में होगी वो पास में ही रहेंगी। तो मिरर के पास में क्या है, ये आपकी लाइन वाला पोर्शन मिरर के पास में है, और जो ये डार्क वाला पोर्शन है ये मिरर के दूसरी साइड है। तो यहाँ पे भी आपको बिल्कुल ऐसा ही एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है, इस तरीके से, और ये डार्क वाला पोर्शन तो दूर रहेगा, ठीक है, और जिसमें लाइन वाला पोर्शन है वो इसके पास रहेगा, ठीक है। तो आपका ये वाली मिरर इमेज जो रहेगी वो राइट बन जाएगा आंसर। तो अब इनमें से देख लिए, पास वाले में जो ये लाइन वाला पोर्शन है पास किस में है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो डायरेक्शन तो इसकी कोई चेंज होनी ही नहीं है, ऊपर नीचे तो होने वाला नहीं है, तो इसको तो कट कर देंगे। फिर बाकी इसकी बात करूँ तो डार्क वाला पोर्शन भी चेंज नहीं होने वाला है, ये चेंज हो गया, ये नीचे आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। फिर अगर मैं इसकी बात करूँ तो डार्क वाला यहाँ पे जहाँ पे हमें चाहिए दूर है, लाइन वाला पास में है और नीचे भी है, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी अगर मैं इसकी बात करूँ तो डार्क वाला, देखिए ये वाला मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, डार्क वाला पोर्शन नज़दीक आ गया, जबकि मिरर से डार्क वाला पोर्शन दूर है, और पास में कौन है, लाइन वाला पोर्शन, तो आपका राइट आंसर ये सी बन जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बस ये समझना है आपको, अगर वोटर इमेज बनानी है तो मिरर यहाँ पे रखा है, ठीक है, या फिर मिरर इस साइड में रखा होगा, ठीक है, इस साइड में मिरर रखा होगा, या इस साइड में रखा हो या इस साइड में रखा हो, कॉन्सेप्ट एक ही यूज करना है, जो चीज़ें मिरर के पास वो पास में, जो मिरर के दूर वो दूर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये है कथन और पूर्ण अनुमान से। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ग्रुप डी में भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और इससे पहले आपका एएलपी जो टेक्नीशियन का एग्जाम होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, और आगे आरपीएफ के एग्जाम में भी आशा यही लगाई जा रही है कि उसमें भी ज़्यादा ही पूछे जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चन से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो इन क्वेश्चन से आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे, और ये आप
तभी कर सकते हैं जब इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा कि किस तरीके से इनका आंसर हमें लगाना है, ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, कुछ आपको खुद से करनी है बुक से, ठीक है। चलिए, कथन में यहाँ पे दिया गया है, यदि सरकार ही भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कार्यवाही करेगी तभी हमारा देश समृद्धि की ओर बढ़ेगा। तो इसमें जो बोला गया है उसको एक बार और ध्यान से पढ़ लेते हैं। यदि सरकार ही भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कार्यवाही करेगी, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कार्यवाही करेगी तभी हमारा देश समृद्धि की ओर बढ़ेगा, ये कथन दिया गया है। पूर्व अनुमान इसमें क्या लगाए जा रहे हैं इनको भी देख लेते हैं। सरकार भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो बिल्कुल सही चीज़ है। देखिए, जो सरकार होती है वो भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, तो ये बिल्कुल आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट बोली गई है ये ऊपर से भी आपका मैच कर रही है। दूसरे वाला है, भ्रष्टाचार देश को समृद्धि की ओर बढ़ने में बाधा डालता है, तो ये भी बिल्कुल सही लिखी गई है लाइन, क्योंकि यहाँ पे ऊपर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यही चीज़ को इंडिकेट किया गया है कि यदि सरकार ही भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कार्रवाई करेगी तभी हमारा देश समृद्धि की ओर बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि भ्रष्टाचार समृद्धि की ओर बढ़ने में देश को मतलब बाधा डाल रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ये दोनों के दोनों पूर्ण अनुमान आपके राइट हो जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, एक बार इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है 63 और 80, 120 और नेक्स्ट क्या आएगा। अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की तो यहाँ पे देखिए, इसके नियर कौन सी वैल्यू जो स्क्वायर में आ जाएगी, 64 यानी कि 8 8 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 1 किया गया है यहाँ पे, 8 का स्क्वायर 64, 64 में से माइनस 1 तो 63। नेक्स्ट आपका 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 81, और 81 में से 1 माइनस करेंगे तो 80। इसका मतलब एक नंबर का स्क्वायर कर करके उससे माइनस किया जा रहा है 1, तो यहाँ पे 120 लिखा जा रहा है। 120 के नियर किसका स्क्वायर होता है, 121 किसका होता है, 11 का, 11 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 11 का स्क्वायर किया हमने 121, 121 में से माइनस 1 कर दिया तो 120 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और 144 में से माइनस 1 करेंगे तो 143, 143 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से है, इसमें दिया गया है नारंगी छिलका, यानी कि नारंगी को अगर छिलका लिखा जा रहा है तो कास्ट फल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, जैसे आपका नारंगी छिलके के अंदर होता है, ठीक है, तो कास्ट फल किसके अंदर होता है, कवच के अंदर होता है, तो ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, और ये क्वेश्चंस भी आपके कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, तो उस ग्रुप डी के एग्जाम में भी आपके एनालॉजी से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। वैसे सबसे ज़्यादा आपके स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है, एक वेन डायग्राम हो गया, सिलोगिज्म हो गया, और आपका मिरर इमेज, वोटर इमेज हो गया, इनसे लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग ये ज़्यादा तो नहीं पूछे जा रहे, बट एक दो क्वेश्चंस इनके भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखिए आप। देखिए, अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इस क्वेश्चन में आपकी दो जो भी आपकी फिगर दे रखी है, जैसे यहाँ पे दो गोले हैं, इन दोनों को नेक्स्ट वाले में एक दूसरे से कट करके दिखाया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसमें करना है। अब यहाँ पे हैं, अब इन दोनों को अगर कट किया जाए तो इन चारों फिगर में से कौन सा नज़र आ रहा है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। देखिए, ये वाला है बिल्कुल अलग से हो कर रहा है, ये हट जाएगा। अब ये कट तो कर रहा है, बट ये अलग अलग इमेज हो गई, ये वाली और ये वाली दो अलग अलग हो गई। इसको भी कट कर देंगे, इसको भी हटा देंगे, क्योंकि इसमें भी दो अलग अलग आपकी फिगर आ गई है। अब अगर इसकी डी वाले ऑप्शन की बात की जाए तो दो फिगर बिल्कुल सेम है, जो कि इससे पहले वाले एनालॉजी में दिखाई गई है, और दोनों की दोनों एक दूसरे को कट भी कर रही है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नो डाउट कि सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये भी एनालॉजी से है, इसमें भी आपको क्या करना है, देखिए क्यू डी एक्स एम को यहाँ पे एस एफ वाई एन लिखा गया है, तो यू आई ओ जेड को क्या लिखा जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, इसके लिए भी आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद होने चाहिए। अगर नंबर याद नहीं है तो कर लीजिए, अगर अभी आपका देखिए एग्जाम है ग्रुप डी का तो इतना टाइम नहीं है याद करेंगे। तो आपको क्या करना है,
जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो आपकी रफ शीट मिलती है एग्जाम में, उसमें आपको क्या करना है, जाते ही ए बी सी डी लिख लेनी है पूरी। लिखने का तरीका देख लीजिए, ए से एम तक लिखेगा, फिर एम के नीचे एन और एन से जेड तक लिखेगा, उनके ऊपर नंबर डाल लीजिएगा, ठीक है। और ये 30 सेकंड का वर्क है, और ये आप मतलब जो टाइम में आपको वर्कशीट मिलेगी उसमें ही करना है, उससे मतलब बाहर जाके नहीं करना है कि जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया उस टाइम पे आप इस वर्क को कर रहे हैं। तो इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे, जिनका आंसर भी बिल्कुल सही आएगा, और इससे आप इजीली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, क्यू डी एक्स एम लिखा है, तो देखिए क्यू में अगर मैं +2 कर दूँ तो नेक्स्ट आपका क्या आएगा, ऐसा बन जाएगा, एस बन जाएगा, और डी में आप +2 करेंगे तो एफ हो जाएगा। फिर यहाँ पे +2 हो गया, फिर +1 चलेगा, x से नेक्स्ट क्या आएगा y, यानी कि आपका +1 चला है, m से नेक्स्ट क्या आएगा n, जब ये जैसे मैंने अभी आपको बताया था m किसके नीचे आ रहा है, n के, तो आपका m 13 पे आता है, n 14 पे आ जाएगा, तो ये आपका +1 हो गया। तो उसी तरीके से आपको इसमें भी आपको मतलब +1 2 3 करना है, सॉरी +2 और +1 +1 करना है। तो u में +2 करेंगे तो w, i में +2 करेंगे तो k, O में +1 करेंगे तो P, और Z में +1 करेंगे तो A। तो क्या होगा, W K P A, यानी कि ऑप्शन B राइट आंसर आपका बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, C D E F U V W X I J K L, तो इसको कैसे करना है, इसको मैंने पहले से ही करके रख रखा है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। देखिए चलते हैं, तो यहाँ पे जिस प्रकार आपका सी डी ई एफ को यू वी डब्ल्यू एक्स लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए इस तरीके से कुछ कोडिंग की गई है इसकी, सी को यहाँ पे लास्ट वाले से अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, और एफ का आपका अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ये यू हो जाएगा, ठीक है, डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, ई का अपोजिट वी हो जाएगा, यानी कि ये सभी एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। तो ये भी मैं अभी आपको जैसे बताया, ए से आप लिखेंगे एम तक, एम एन, और एन से लिखेंगे जेड तक, ये सभी एक दूसरे के अपोजिट भी वर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड कर सकते थे, ठीक है। यहाँ से आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर, एल का अपोजिट हो जाएगा ओ, उसी तरीके से जेड का अपोजिट क्यू, और के का अपोजिट पी। अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा अपोजिट वर्ड उसके नीचे नहीं लिखा गया है, उससे ये थोड़ा, ये भी इसमें थोड़ा ट्रिक है कि इस तरीके से घुमा के लिखे गए हैं, यानी कि पहले वर्ड का जो अपोजिट वर्ड होता है आर होता है, आई का अपोजिट आर होता है, तो आर इसके नीचे नहीं लिखा गया, इसको सबसे लास्ट में लिखा गया। फिर उसी तरीके से आपका एल का अपोजिट ओ होता है, और ओ को यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, ऊपर वाला जो पैटर्न फॉलो हुआ है उसे ही नीचे हम इसमें करेंगे, तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ओ पी क्यू आर। ऐसा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट भी आपका कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या करना है, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25, और 25 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 100। तो इसी तरीके से आपको 7 स्क्वायर प्लस इनटू करनी है 4 से, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 की मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, ये आपका 196 हो जाएगा, हाँ 196 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार ट्राई करिए। तो ऐसा करता हूँ कि आपने ट्राई कर लिया होगा वीडियो को रोक करके। यहाँ पे क्या चल रहा है, देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पे नेक्स्ट में क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर -3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो मतलब पहले नंबर का स्क्वायर हुआ है डायरेक्ट, यहाँ पे स्क्वायर माइनस थ्री हुआ है, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6×6 36, 6 का स्क्वायर हुआ है, तो नेक्स्ट में क्या होगा, 7 का स्क्वायर -3, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 49 में से 3 माइनस करेंगे तो 46 हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। तो सिंपल है भाई, देखिए यहाँ पे स्क्वायर हुआ है, फिर यहाँ पे स्क्वायर, उससे नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस थ्री, यहाँ पे स्क्वायर हुआ है आपका 6 का, और फिर 7 का स्क्वायर -3। तो इसी तरीके से इन क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करिए, बहुत ही सिंपल सा है, आशा करता हूँ कि आप इसका आंसर सभी कमेंट बॉक्स में भी करेंगे। जी बिल्कुल सही है आप सभी का आंसर, क्योंकि सभी को पता है कि पुस्तक आपकी कागज़ से बनती है तो रोटी आपकी आटे से बनेगी, तो आटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, पूरी वीडियो आपने देख ली है,
और आपकी समझ में भी आई होगी। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से। यहाँ पे जाना है आपको, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बस जाकर के ये पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप टॉपिक स्टडी का टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है तो ठीक है, अगर ज्वाइन नहीं किया तो टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम यूज ही नहीं करते हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐप होता है एक, उसी तरीके से आप जैसे व्हाट्सएप चलाते हैं और उसमें अपना नंबर वंबर भरने के बाद में वहाँ पर टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन हो जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।